हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 क्लास 6 इंग्लिश का पार्ट 2 करवा रही हूँ। इसका मैंने पार्ट 1 करवा दिया है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। एवरी पर्सन प्रोड्यूस हिज एंड हर ओन पर्टिकुलर ऑडियो, हर इंसान अपना खुद का स्मेल होती है सबकी। हिज फैमिली मेम्बर और फ्रेंड कैन रिकोगनाइज इट इज समिंग, उनके परिवार के या उनके दोस्त पहचान जाते हैं उनकी स्मेल से। पीपल लीव अ फेंट स्मेल बिहाइंड देम, लोग अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं पीछे से। द ट्रैकर डॉग फॉलो द सेंट, जो डॉग रहते हैं वो उनका पीछा कर सकते हैं उनकी स्मेल से। हाईली ट्रेंड डॉग कैन इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्मेल ऑफ आइडेंटिकल ट्विन, जो ट्रेन डॉग रहते हैं, जो ट्रेन उनको जिनको ट्रेन दिया जा ट्रेनिंग दिया जाती है, वो इन चीज़ों को अच्छे से पहचान जाते हैं। द वॉल्फ इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ डॉग, डॉग की फैमिली में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वॉल्फ। इट जो इज सो स्ट्रॉन्ग, उनके जो जॉ हैं, जबड़े हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैन दे कैन क्रश हार्ड बोन ईजली, वो अपने कोई ताकतवर हड्डियों को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। दे कैन रन विथ स्लीप, वो शिप के साथ भाग सकते हैं। ओनली सोल्जर उसके साथ भाग सकते हैं। मोर फास्ट देन अ रेस हॉर्स, घोड़े से ज़्यादा तेज। द जैकल लुक लाइक अ वॉल्फ, जैकल वॉल्फ की तरह दिखता है, बट इट रियली हार्डली हाफ अ साइज ऑफ वॉल्फ, लेकिन वो वॉल्फ का आधा साइज है। जैकल स्टील हैंड फ्रॉम द कोप, जैकल मुर्गियाँ चुरा लेता है उनके खाच कोप मतलब जहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ रहती हैं। दे ईट अ वाटरमेलन, वो वाटरमेलन खाता है, कॉर्न खाता है, ग्रेप्स खाता है। सम जैकल लीव ऑन अ रिमेन ऑफ द लॉयन हट, कुछ लोग रहते हैं लॉयन के शेरों के घरों में। द फॉक्स हंट ओनली इट इज हज, फॉक्स जब भी शिकार करता है जब वो भूखा रहता है। इट फीड मेनली आ बन, वो ज़्यादातर खेती या फील्ड माइस, खेत के कीड़े या खेतों में जो चूहे होते हैं उनको खाता है। इट ऑल्सो ईट अर्थवॉर्म, वो अर्थवॉर्म को खाता है, ग्रास कॉपर को खाता है, ग्रेप्स खाता है और बेरीज भी खाता है। हाउ डज डॉग शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास मैमलिया, डॉग्स कैसे दिखाते हैं क्लास मैमलिया है वो। मैमलिया गिव बर्थ टू अ फुल्ली डेवलप यंग वन, वो बच्चे ऐसे यंग बच्चों को देते हैं जो चलते हैं, फिरते हैं, चिल्लाते हैं, उन बच्चों को वो करते हैं, उनको बर्थ जन्म कर देते हैं। दे हैव हेयरी बॉडी, और उनकी जो बॉडी रहती है उनमें बहुत बाल होते हैं। वट टाइप ऑफ टीथ डू हर्बीवोरस हैव, हर्बीवोरस के कैसे दांत होते हैं। दे हैव कटिंग एंड ग्रिंडिंग टीथ बट नो टीयरिंग, उन वो है ना काट सकते हैं और पीस सकते हैं, उनके दांत ऐसे रहते हैं लेकिन टीयर नहीं कर सकते। वट टाइप ऑफ टीथ डू फ्लैश ईटिंग मैमल है, फ्लैश ईटिंग मैमल के कैसे दांत होते हैं। द टीथ ऑफ फ्लैश ईटिंग मैमल आर मॉडिफाइड फॉर टीयरिंग फ्लैश, उनके जो टीथ रहते हैं ईटिंग फ्लैश ईटिंग मैमल के मॉडिफाइड टीयरिंग फ्लैश, वो टीयर कर सकते हैं फ्लैश, TEARING टीयर। What is the difference between the claw of goat, claws of cats and dog, dog और cat के कैसे पंजे होते हैं। Answer number D, cat claw, dog claw, ऐसे लिखना, और ये लाइन खींच दी मैंने, आप अच्छे से कर देना। cat's claw are retractive and curved claw, उनके बहुत ही आप किसी को भी मार सकते हैं, उनके पंजे इतने वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। डॉग क्लो आर डू नॉट हैव शार्प, इतने नुकीले नहीं रहते हैं, रिट्रैक्टिव क्लो, उनके पास इतने नुकीले पंजे नहीं होते हैं। कैन यू हियर द साउंड ऑफ पॉज ऑफ द रनिंग डॉग्स, येस आई कैन हियर द साउंड ऑफ रनिंग डॉग्स, क्यों, क्योंकि उनके जो नीचे के पैर रहते हैं वो थोड़े भारी रहते हैं, जिससे उनकी जब वो भागते हैं तो उससे आवाज़ आती है। वाई डू पीपल कीप डॉग एज पेट, लोग डॉग को ही क्यों पालते हैं। डॉग आर गुड गार्ड चिल्ड्रन विमेन मैन प्ले विद देम, डॉग बहुत सुरक्षित रखता है बहुत हर चीज को, बच्चे औरतें आदमी सब उनके साथ खेलते हैं। टेक देम फॉर वॉक के लिए उनको ले जाते हैं। कैन फीड FEED फीड, उन्हें खिलाते हैं। एंड वॉश देम, और उन्हें उनके साथ नहाते भी नहलाते भी उनको। हाउ आर मॉन्ग्रेल पेडिग्री डॉग डिफरेंट, मॉन्ग्रेल पेडिग्री डॉग अलग क्यों हैं, अलग कैसे हैं। मॉन्ग्रेल दे आर डॉग ऑफ मिक्स ब्रीड, उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं।
पेडिग्री कैसे होते हैं, व्हेन एंसेस्टर ऑफ सेम ब्रीड सेम सही सेम पीढ़ी के डॉग आते हों उनकी पीढ़ी में एंड प्रोड्यूस, जब सेम पीढ़ी के उसे पेडिग्री डॉग बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रे डॉग, जो रोड पे चलते हुए डॉग रहते हैं वो, और आवारा कुत्ते स्ट्रे डॉग, STRAY स्ट्रे डॉग। एक पेडिग्री में आएंगे एलास्टियन, लैब्राडोर, बुल डॉग, ये सब उनके वो हैं। हाउ डू वेराइटी ऑफ डॉग डिफर, कैसे आप वेराइटी ऑफ डॉग डिफर बता सकते हैं। अ टेल्स आर वेरियस टाइप, उनकी टेल्स अलग अलग होती है, उनकी पूंछें अ टेल्स कैरीड, किसी की ऊंची होती है, किसी की बहुत हाई होती है, किसी की लो होती है, किसी की नीचे होती है, लाइटली कर्व्ड एंड बहुत ही हल्की होती है, किसी की अ लॉन्ग टेल, किसी की बहुत लंबी होती है, किसी की फ्लोइंग टेल होती है, उड़ती रहती है, एंड एक्सेट्रा आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग, इनसे उनके अलग अलग तरह के डॉग बता सकते हैं। हाउ कैन डॉग्स कैच अ क्रिमिनल, डॉग क्रिमिनल को कैसे पकड़ सकते हैं। डॉग हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। पीपल लीव अ फेंट स्मेल, लोग अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं पीछे से। दिस एबिलिटी ऑफ डॉग कैच द क्रिमिनल, और इससे जो डॉग है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ सकता है। हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द डॉग फैमिली, वाई, सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर कौन है डॉग के फैमिली में और क्यों। द वॉल्फ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ डॉग फैमिली, जो इज सो स्ट्रॉन्ग, उसके जो जबड़े हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दे कैन क्रश हार्ड बोन ईजली, वो किसी कठोर सी हड्डी को भी तोड़ सकता है आराम से, ईजीली। वाई डू यू पुट वॉल्फ, जैकल, फॉक्स इन अ डॉग फैमिली, डॉग फैमिली को आपने क्यों रखा है, वॉल्फ, जैकल और फॉक्स को क्यों रखा है डॉग की फैमिली। वॉल्फ, जैकल, फॉक्स इन अ डॉग फैमिली बिकॉज दे हैव अ हेयरी बॉडी, क्योंकि उनके उनकी शरीर में भी खूब बाल हैं, एंड दे गिव बर्थ अ फुल्ली डेवलप यंग वन, वो भी डेवलप बच्चों को ही बर्थ जन्म देते हैं। दे रन सो फास्ट, और वो भागते ही बहुत तेज है। वॉट क्वालिटी आर डिससिमिलर ऑफ द मेम्बर ऑफ डॉग, डॉग फैमिली के मेम्बर को आप कैसे डिससिमिलर कर सकते हो। ईयर, टेल्स, उनके कान और उनकी जो पूंछ रहती है क्वालिटी आर उस क्वालिटी से डिससिमिलर ऑफ द मेम्बर ऑफ डॉग फैमिली के मेम्बर अलग दी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल स्मेल वर्ड, अ स्ट्रॉन्ग ऑडियोर इज अ स्वेट फील्ड इन अ एयर, मतलब जो पसीने की खुशबू को ऑडियोर बोलेंगे। अ रोज हैज डेलिकेट सेंट, रोज के स्मेल को क्या बोलते हैं, सेंट। अ स्टिंक ऑफ फ्रॉम द ड्रेन इज ऑल अनबियरेबल इन समर, गर्मी में जो ड्रेन है उसमें अलग तरह की स्टेंक जैसी बदबू, स्टेंक स्मेल बोलते हैं। ईच ब्रांड ऑफ कॉफ़ी हैज़ इट्स ओन फ्लेवर एंड एरोमा, कॉफ़ी के स्मेल को क्या बोलते हैं, एरोमा बोलते हैं। अब इसे पास सिंपल फॉर्म में लिखना है इन सबको। द बॉय टॉक्ड, TALED लगा दिया, TALKED ऑन द फोन, घंटों तक बात करता है लड़का। शीला ब्रॉक द ब्लू शी वास लास्ट लार, कल रात को शीला ने एक वास तोड़ दिया। दे वेंट टू द थिएटर, वो सैटरडे को थिएटर गए थे। वी इन्जॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट को बहुत मज़ा किया। लास्ट विंटर द विंड ब्लो वेरी हार्ड, पिछली ठंड में जो हवा थी बहुत तेज़ी से चल रही थी। आई सो अ ब्लू बर्ड इन द ट्री, मैंने नीले कलर की चिड़िया देखी थी पेड़ पे। द बेबी ड्रैंक मिल्क विथ अ स्पून, बच्चा दूध पीता था चम्मच से। स्टोरी में ये देखिए 6174-3852। अ लिटिल बॉय वेंट टू अ लिटिल डॉग, खरीदने गया एक छोटा लड़का। द स्टोर ओनर शोएब, उसे 5 टिनी छोटे दिखाए और टिनी डॉग्स दिखाए। वन पप्पी वॉज लिम्बिंग एंड लैगिंग बिहाइंड, उचक रहा था उसके पीछे। द ओनर एक्सप्लेन दैट इट हैज़ नो हिप सॉकेट, उसका कोई हिप सॉकेट नहीं था, तो इट वुड ऑलवेज बी अ लेम, वो हमेशा लंगड़ाएगा। द लिटिल बॉय बिकेम एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हो गया। दैट इज़ द लिटिल पप्पी, वो बोलता है ये छोटा सा पप्पी दैट आई वॉन्ट, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। द ओनर, इफ़ यू रियली वॉन्टेड, ओनर ने कहा अगर आप चाहते हो इसे लेना तो आई विल जस्ट गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दे दूँगा। बट इट नेवर गोइंग टू बी रन एंड जम्प, लेकिन ये भाग नहीं सकता, जंप नहीं कर सकता और खेल नहीं सकता दूसरे पिल्लों की तरह। द लिफ्ट बॉय रोल्ड अप हिज ट्राउजर लेग, और उसने अपने पैर
पैंट मतलब अपने पैरों पर से पैंट उठाई एंड टू रिवेल द क्रिपल लेफ्ट। और उसने दिखाया कि उसका एक पैर ख़राब है, बिग मेटल जिसमें उसमें एक बिग मेटल से लगी हुई रॉड लगी हुई है। ही लुक एट द स्टोर ओनर, उसने स्टोर ओनर को देखा एंड सॉफ्टली रिप्लाई करा कि वेल आई डोंट रन, मैं भी नहीं भाग सकता खुद से, बट द लिटिल पप्पी विल नीड समवन हु अंडरस्टैंड, उसे ज़रूरत होगी जो उसे समझे। सिंपथी, दया। अ प्रिटी लिटिल गर्ल, अ हेयरी लिटिल डॉग, एक बहुत ही सुंदर लड़की और एक बहुत बालों वाला डॉग टुगेदर वर आउट ऑफ द वॉक, जो चल बाहर गए थे साथ में। हाउ कुड दिस पुअर लिटिल डॉग मस्ट बी, कैसे ये छोटा सा कुत्ता कैसे जा रहा होगा विदाउट एनी, बिना कपड़े के, लाइक माइन सेड ही, कैसे इतनी ठंड में। अ नाइस लिटिल गर्ल इज शी, कितनी अच्छी लड़की है ये, वो मन में कहता है। बट ओ हाउ कोल्ड शी मस्ट बी, लेकिन इतनी ठंड में वो कैसे, फॉर सी कैसे, शी हैजंट लाइक मी, वो मेरे जैसी नहीं है, उस थिक हेयर उसके मेरे जैसे मोटे मोटे बाल नहीं है। सो दे टुक ईच अदर केयर, वो एक दूसरे की ख्याल रख रहे थे। वॉट वर द लिटिल गर्ल एंड लिटिल डॉग डूइंग, लिटिल गर्ल और लिटिल डॉग क्या कर रहे हैं। द लिटिल गर्ल एंड लिटिल डॉग वर वॉकिंग, वो चल रहे थे, वॉक कर रहे थे। वॉज इट वॉज वेरी कोल्ड डे, यस इट वॉज वेरी कोल्ड, ये बहुत ही ठंड थी जब। हाउ डिड द लिटिल गर्ल वरी अबाउट द डॉग, कैसे वो चिंता कर रही थी डॉग के बारे में। द लिटिल गर्ल वरी अबाउट द डॉग डिड नॉट वियर एनी क्लॉथ, क्या कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हैं, कैसे वो इतनी ठंड में चल रहा हो। हाउ डिड द लिटिल डॉग वरी अबाउट द गर्ल, छोटा कुत्ता क्यों चिंता करा। द लिटिल डॉग वरीड अबाउट द गर्ल हैड नॉट थिक हेयर लाइक हिम, वो सोच रही थी कि उसके पास जैसे मोटे बाल हैं वैसे उस लड़की के पास नहीं है। विच वर्ड शो दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, टुगेदर वर्ड शो दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, नहीं क्लॉथ वर्ड दिखा रहा था कि ये बहुत ठंड थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।